बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद एक नए वीडियो के साथ। अब वीडियो को पूरी वॉच कर लो ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। इस वीडियो में मैं ताज़ा अपडेट्स, न्यू डेवलपमेंट्स अपडेट्स जो ताज रेजिडेंशियल ने न्यू ब्लॉक में शुरू की है और ये आपके सामने है। ताज रेजिडेंशियल यहाँ पे कुछ खुदाई हुई है वो सामने कंस्ट्रक्शन के लिए है और ये आपके सामने है रोज़ ब्लॉक और इससे आगे थोड़ा आगे डेफोडल्स ब्लॉक और ये स्ट्रीट वगैरह भी कंप्लीट हो चुके हैं। ये सामने मशीनरी भी नज़र आ रही है। ये सेवरेज के पाइपलाइन लगा रहे हैं। ताज रेजिडेंशिया स्टेप बाय स्टेप एक एक ब्लॉक को डेवलप कर रहे हैं। इससे पहले ट्यूलिप एंड लेली ब्लॉक, अर्चड और गार्डनिया ब्लॉक में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुई है और अब ये रोज़ अब ब्लॉक में भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्द। और इंशाल्लाह जैसे जैसे न्यू डेवलपमेंट होगी हम आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ जो बिल्कुल द एंड तक गए थे। उस एरिया में हमें कोई ऐसी खास डेवलपमेंट नज़र नहीं आई है और ना ऐसे हमें ब्लॉक्स के बारे में अंदाज़ा हो गया क्योंकि वहाँ कोई ऐसा काम नज़र नहीं आया। बहरहाल ताज रेजिडेंशिया वालों की स्ट्रेटजी ऐसी है कि एक एक ब्लॉक को स्टेप बाय स्टेप डेवलप करते रहेंगे और ये अब तक तो हमने यही देखा है और ऑब्जर्व किया है। ये सामने जो क्रश पड़ा हुआ है ये क्रश इस ब्लॉक के लिए है जहाँ पे ये काम नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये एक बड़ा नाला भी है, एक खूबसूरत सेवरेज सिस्टम है यहाँ ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद का और एक बेहतरीन लोकेशन भी है। काफ़ी सोसाइटी हम लोगों ने विज़िट की है। एक तो बहुत करीब है, यहाँ सीधे ये I-14 के साथ तो बिल्कुल निकलते ही गोड़ा मोड़ पे और गोड़ा मोड़ का भी जो है ना अंडर पास पे काम तेज़ी से जारी है और फिर साथ में कश्मीर हाईवे बिल्कुल करीब करीब लोकेशन है, मटरवे करीब है, सब कुछ बेहतरीन लोकेशन है। यानी इतनी बेहतरीन और करीब सोसाइटी कोई दूसरी यहाँ पे नज़र नहीं आई है। बस डेवलपमेंट और इसकी जो स्ट्रेटजी है वो हमने यही देखी है कि एक एक दो दो जो ब्लॉक्स हैं उनको डेवलप कर रहे हैं। बहरहाल ताज रेजिडेंशिया वालों को भी चाहिए कि कुछ काम में तेज़ी लेके आए और कुछ ज़्यादा मशीनरियाँ नज़र आनी चाहिए, पूरे ब्लॉक में मशीनरी नज़र आनी चाहिए, जगह जगह पे काम नज़र आना चाहिए। तो एक तो ये कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, कुछ कस्टमर के जो परेशानी हैं उस परेशानी में भी कमी आएगी। ये ताज रेजिडेंशिया रावलपिंडी या ताज रेजिडेंशिया इस्लामाबाद ये बिल्कुल न्यू और ताज़ा अपडेट्स और हम कोशिश करते रहेंगे कि इंशाल्लाह न्यू अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।